हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ग्रामर का सी सेक्शन करेंगे। कंप्लीट दिस सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस इन द ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स में इंस्ट्रक्शन हमें दी गई है, वो इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए हमें ये ब्लैंक्स को भरना है। फर्स्ट किया हुआ है, This is the easier way to solve the sum. Demonstrative pronoun. Demonstrative pronoun में और ये है simple sentence. तो this. Number two, blank is in charge of this workshop. ये है इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस क्वेश्चन मार्क है, तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस में हम यहाँ पे इंचार्ज, कोई पर्सन के लिए, इंचार्ज कोई पर्सन होता है, तो यहाँ वर्ड आएगा डब्ल्यू एच ओ हु। नंबर थ्री, प्लीज एंजॉय ब्लैंक स्माइल्ड द होस्टेस। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हिमसेल्फ, हरसेल्फ, देमसेल्फ और अवरसेल्फ ऐसे आता है, तो यहाँ है होस्टेस। होस्टेस, होस्टेस कौन होता है? किसी को बोलने के लिए यूज करते हैं हम, और एंजॉय करना है तो योरसेल्फ, ठीक है। नंबर फोर, ब्लैंक केक इन द शॉप विंडो लुक्स रियली डिलीशियस। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस को यूज करना है हमें, किसी चीज़ पास में है या दूर है वो दिखाने के लिए हम डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस का यूज़ करते हैं। तो यहाँ देखो, इन द शॉप विंडो लुक्स, शॉप विंडो मीन्स यहाँ से दूर होगी केक, तो आएगा देट। दूर की चीज़ के लिए देट यूज़ करते हैं ना। नंबर फाइव, द स्कूल एस्टैब्लिश्ड ब्लैंक एज अ फाइन इंस्टीट्यूशन, और हमें यहाँ यूज़ करना है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, स्कूल है, स्कूल कोई चीज़ होती है, तो कोई चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं इट और इट सेल्फ। नंबर सिक्स, ब्लैंक इज द कैपिटल ऑफ यूनाइटेड किंगडम, क्वेश्चन मार्क है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का यूज़ करना है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में क्वेश्चन मार्क के लिए हम यूज़ करेंगे विच। किसी शहर के बारे में पूछा गया है, विच इज़ द कैपिटल ऑफ यूनाइटेड किंगडम। ओके, नेक्स्ट वोकेबुलरी है, कंप्लीट दिस सेंटेंसेस विद द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स में वर्ड्स दिए हुए हैं, इनका यूज़ करते हुए ब्लैंक्स को फिल करना है, ठीक है। ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनके प्रोनाउंसिएशन सेम होते हैं, जिनको हम रीड सेम करते हैं, लेकिन मीनिंग डिफरेंट होता है, साउंड सेम होता है, स्पेलिंग और मीनिंग डिफरेंट होता है, ऐसे वर्ड्स है। माय शूलेस इज ब्लैंक बट आई कांट स्टॉप टू टाई इट, आई हैव नो टाइम टू ब्लैंक, ठीक है। तो शूलेस इज लॉस, लॉस मतलब खो देना, और लूज, लूज मतलब हल्की सी जैसे खुल जाती है वो, तो सूलेस क्या होगी, खुल गई, तो लूज, LOOSE, लूज।
और आई हैव नो टाइम टू लोज, यहाँ आएगा लोज. नेक्स्ट, आफ्टर द ब्लैंक कॉल द टीचर विल अनाउंस हु प्लेज विच ब्लैंक इन द प्ले. आफ्टर द ब्लैंक कॉल, तो यहाँ क्या आएगा, जो रोल होता है ना, आर ओ डबल एल रोल. द टीचर विल अनाउंस हु प्लेज विच रोल. अभी ये रोल है ड्रामा में, जो रोल प्ले करते हैं वो, तो आर ओ एल ई रोल. ठीक है. नंबर थ्री, वी विल यू प्लीज ब्लैंक वाइल आई चेक माई ब्लैंक ऑन दिस मशीन. यहाँ क्या है कि क्या आप मेरे लिए वेट करोगे, तो ये वाला वेट, इंतज़ार करते हैं वो वाला वेट, वेट वाइल आई चेक माई वेट ऑन दिस मशीन. तो ये वाला वेट कौन सा है, वज़न. मैं मशीन में वज़न कर लूँ तब तक आप वेट करोगे, तो ये वाला वेट और ये वाला वेट, दोनों स्पेलिंग डिफरेंट है, मीनिंग भी डिफरेंट है, लेकिन साउंड सेम है. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट पेज, ही ब्लैंक द बॉल एंड आई फ्लू ब्लैंक द विंडो टू लैंड इन द गार्डन. ही थ्रू, थ्रू ये वाला कि बॉल को थ्रू करते हैं, जो फेंकते हैं वो, तो ये फर्स्ट वाला टी एच आर ई डब्ल्यू थ्रू द बॉल एंड आई फ्लू ब्लैंक द विंडो. विंडो से थ्रो होना, विंडो थ्रू लैंड होना, इसमें ये है कि गार्डन में विंडो थ्रू गए ऐसे, तो ये थ्रू और ये थ्रू, दोनों स्पेलिंग डिफरेंट है, मीनिंग डिफरेंट है, लेकिन साउंड सेम है. द लोकल टीम ब्लैंक द मैच, क्या होगा, वॉन. द लोकल टीम वॉन द मैच बाय वन गोल. इट्स वेरी इजी. नंबर सिक्स, रोशन वॉज इल लास्ट ब्लैंक. रोशन वॉज इल लास्ट वीक, डब्ल्यू डबल ई के वीक, जो हम बोलते हैं इसको, जो 7 days का हमारा वीक होता है वो. ही इज स्टिल फीलिंग रैदर वीक, कि वो अभी वीक फील कर रहा है. वीक मतलब थोड़ी सी जो सुस्ती रहती है हमारी बॉडी में बीमार होने के बाद, वो डब्ल्यू ई ए के वीक. ठीक है. तो ये दोनों के स्पेलिंग डिफरेंट है और मीनिंग डिफरेंट है, लेकिन साउंड सेम है, वीक एंड वीक. नाउ द नेक्स्ट, कंप्लीट दिस सेंटेंसेस विद द करेक्ट वर्ड्स. यहाँ करेक्ट वर्ड से हमें ब्लैंक फिल करनी है. यहाँ पे हैव और टेक, ये दो वर्ड्स है. हैव जो है वो कुछ सिलेक्टेड वर्ड के लिए होता है, और टेक कुछ दूसरे सिलेक्टेड वर्ड्स के लिए, चौकस जो वर्ड्स है इनके लिए होता है. एन आर्ग्यूमेंट, अ हैकट, अ प्रॉब्लम, लंच, फन, डिनर. और टेक में अ लुक, अ फोटो, अ वॉक, एडवांटेज ऑफ, पिटी ऑन, एक्शन. ऐसे कुछ सर्टेन वर्ड्स है इनके लिए है और टेक का यूज़ होता है. तो फर्स्ट ब्लैंक है, द स्टूडेंट्स आर हैविंग ब्लैंक अबाउट विच टीम शुड विन. स्टूडेंट जो है वो किसी के लिए, कौन जीतेगा इसके लिए क्या करेंगे, तो आर्ग्यूमेंट्स, हैविंग एन
arguments. Argument. Number two, we should take blank this free period to prepare for the test. We should take advantage. We should take advantage this free period to prepare for the test. Number three, please take blank of me and Meeta together. Riya said to mother, please take a photo. Number four, Miss Dashgupta has blank at the certain at 1 o'clock every day. 1 o'clock क्या होता है? सबको पता है दोपहर के 1 o'clock क्या होता है? कैंटीन है. कैंटीन में क्या करेंगे? लंच. नंबर फाइव, वी हैव ब्लैंक सेड रोहन. द फोन इज नॉट वर्किंग. क्या आएगा? फोन नहीं चल रहा है तो वी हैव अ प्रॉब्लम. नंबर सिक्स, द पुलिस विल टेक ब्लैंक अगेंस्ट द रॉबर्स. रॉबर्स के अगेंस्ट क्या करते हैं पुलिस? एक्शन लेते हैं. ठीक है, अभी हम करेंगे डिक्शनरी वर्क. रेफर टू अ डिक्शनरी, राइट डाउन द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड्स एंड द पार्ट्स ऑफ स्पीच दे बिलोंग टू. अभी हमें बताना है कि ये कैसे वर्ड्स है, कौन सा पार्ट है स्पीच का और इनके मीनिंग्स लिखने हैं. पहला वाला लिखा हुआ है स्ट्रीम, तो नाउन है अ स्मॉल नैरो रिवर. नंबर टू, टोडलिंग वर्ब है. वर्ब मीन्स एक्शन वर्ड जो होता है वो वर्ब, और इनका मतलब होता है वॉकिंग विथ शॉर्ट, अनस्टेडी स्टेप्स. अनस्टेडी बीच में कहीं रुकने वाला ना हो, अनस्टेडी रुकते रुकते चलता हो, ऐसे स्टेप्स. अनस्टेडी मतलब रुकते रुकते चलते हैं ऐसे स्टेप्स. और ट्राइंग टू बैलेंस द बॉडी, फिर क्या करना है कि बॉडी को ट्राई करना है. ट्राइंग टू बैलेंस द बॉडी. ठीक है, नंबर थ्री, पावरफुल एडजेक्टिव है. पावरफुल एडजेक्टिव है और इनका मतलब होता है स्ट्रॉन्ग एंड टफ. नंबर फोर, फाउंडली एडवर्ब है. फाउंडली मीन्स विथ लव एंड अफेक्शन. विथ लव एंड अफेक्शन. मैजिक नाउन है, सबको पता है ना नाउन क्या होता है? समथिंग स्ट्रेंज एंड वंडरफुल. आपको लिखना है समथिंग स्ट्रेंज एंड वंडरफुल विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड वेरी इजीली. ओके,
तो ये वाला वर्क आपको सब नोटबुक में लिखने हैं। ओके।